हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फुल केयर अम्ब्रेला बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर टॉप पार्ट के लिए मैंने पहले से कपड़े को कट करके रखा है, जिसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। ये देखिए इस तरह से, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, ये देखिए लंबाई में मैंने इसको 8 इंच रखा है और चौड़ाई में मैंने इसको 14 इंच पे रखा है। तो इसको अब हम एक और फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे अब 4 फोल्ड में हो गया है। अब इस पर हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शोल्डर और आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पे। ये देखिए 4.5 इंच हम शोल्डर के लिए करेंगे और 4.5 इंच पे हम इसमें आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। और इन निशानों को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 7 इंच पे इसको मार्क कर लेना है। ये देखिए 7 इंच हमारा यहाँ पर है। अब नीचे की साइड हमें वेस्ट से इसको 6 इंच पे मार्क कर लेना है। अब ऊपर के निशान से इसको मिला लेना है इस तरह से। इस तरह से करने के बाद अब हमें यहाँ से आर्म होल के लिए गोलाई दे देनी है। ये देख ले, गोलाई देने के बाद अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2 इंच और लंबाई में हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको भी हम यहाँ से गोलाई दे देंगे। इस तरह से हमें नेक की शेप दे देनी है। तो इस तरह से टॉप पार्ट पे हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको कट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए अब हम इसके नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले से कट करके रखा है। तो ये हमारा स्क्वायर पीस है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमने सेम रखी है 30 इंच। देखिए लंबाई और चौड़ाई हमने सेम रखी है। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए नीचे की साइड हमारी ये ओपन साइड है। ये देखिए हमारा ये 4 फोल्ड में है। ये देखिए, और ऊपर की साइड हमारी बंद साइड है। तो मार्किंग हम ऊपर की साइड से करेंगे। ये देखिए वेस्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा वेस्ट का फिटिंग वाला मार्क है वो 5.5 इंच पर है। तो टॉप पार्ट को हम इस तरह से अपने नीचे वाले पार्ट में इस तरह से रख लेंगे। ये देखिए जो हमने 5.5 इंच पे मार्क किया था उसको इस तरह से मिला लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसको इंच टेप की हेल्प से देखिए हम नाप लेंगे कि कितना हमारा आ रहा है। तो 3 इंच पे हम इस तरह से पूरे गोल राउंड में मार्क कर लेंगे और इसको इस तरह से गोल शेप दे देंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ हमने मार्क कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ के लिए मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम 11 इंच पे मार्क करेंगे और इसी तरह 11 इंच पे हम इस तरह से राउंड शेप पे इस पर मार्क करते जाएंगे। मार्क करने के बाद अब इन मार्कों को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। अब देखिए मार्क करने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो गाइस इस तरह से देखिए हमने नीचे वाले पार्ट की कटिंग भी कर ली है। तो देखिए कितना घेरा हमारा इसमें आया है। तो अब हम अपने टॉप पार्ट को लेंगे और इसके हम बैक वाले पार्ट को लेंगे और इसके बैक नेक पे कट का निशान लगाएंगे 2 इंच पे। ये कट हमारा हुकाई के लिए है बैक साइड पे। अब इसको हम
यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए। अब कट करने के बाद अब यहाँ पे हमने दो स्ट्रिप ली है जो हम अपने फ्रॉक के वेस्ट साइड पे लगाएंगे। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है और लंबाई में मैंने यहाँ पे 14 इंच लिया है। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट के बैक पार्ट को लेंगे और जो हमने कट लगाया था इस पर हम इस तरह से एक पट्टी को ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा के इसको तैयार करेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पर हम इस तरह से कट लगाएंगे। कट हमें ध्यान से लगाना है, सिलाई पे बिल्कुल भी हमें कट नहीं लगाना है। अब इस पट्टी को हमें अंदर से अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब इसकी साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब इसके दूसरे पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर रख लेंगे। ये देखिए, सुलटी साइड हमारी अंदर की साइड होनी चाहिए। अब इसके शोल्डर को हम जोड़ लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों शोल्डर पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके नेक को तैयार करेंगे। नेक के लिए मैंने पहले से यहाँ पे ये देखिए पट्टी कट करके रखी है। तो इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसको ज्वाइंट करेंगे और पूरे हम इसको राउंड शेप पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए सिलाई लगा के इसको अटैच कर लिया है। अब इसको हम पलट लेंगे उल्टी साइड और अपने नेक पे इस तरह से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने पे हमें इस पे किनारे किनारे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है, नेक को हमने कर लिया है तैयार। अब हम स्लीव्स को भी इसी तरह तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पट्टी को अटैच कर लेना है और सेम इसी की तरह हमें तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स को भी तैयार कर लिया है। अब नीचे की साइड हमें वेस्ट पे हमें स्ट्रिप लगानी है। तो सबसे पहले हम स्ट्रिप को तैयार करेंगे। तो स्ट्रिप को इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए, किसी भी पिन की हेल्प से हम इसको इस तरह से सुलटा करेंगे। तो देखिए इस तरह हमने इसको सुलटा कर लिया है। ये देखिए, अब इसी तरह हमें दूसरी स्ट्रिप को भी तैयार कर लेना है। ये देखिए इसको, तो दोनों स्ट्रिप मैंने तैयार कर ली है। अब इसको हम करेंगे अटैच। तो अपने वेस्ट साइज पे हमें यहाँ पे इस तरह से इसको अटैच करेंगे। हल्की से हमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे या आप चाहो इसे पिन से भी अटैच कर सकते हो। तो दोनों साइड में यहाँ पे इसको अटैच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से अटैच करने के बाद अब हम दोनों पार्टों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे और जो इसके साइड से जो फिटिंग का निशान है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है, ऊपर का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नीचे की साइड हम ये देखिए इसको अटैच करेंगे। ये देखिए अपने टॉप पार्ट पे। तो साइड से हम इस पर कट्स लगा लेंगे ताकि हमें इसको जोड़ने में आसानी हो। तो इस तरह से हमें एक साइड की किनारी को जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से हम कट्स को साइड से मिलाएंगे। और इस तरह से मिला के चारों तरफ हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए,
तो आप देख सकते हैं सिलाई लगा के मैंने इस तरह इसको अटैच कर लिया है। अब नीचे की साइड हमें कपड़े को फोल्ड करके इसको तैयार कर लेना है। इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है और इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हो नीचे से भी मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और जो ऊपर का बैक साइड का पार्ट था, जो हमारा नेक था, इस पर हम हुकाई को लगा लेंगे। तो ये मेरे पास हुक है, इसको मैं यहाँ पर अटैच कर लूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने हुक को भी अटैच कर लिया है। तो अब हमारी ये बेबी फ्रॉक बनके एकदम रेडी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हमारी फ्रॉक बनके तैयार हुई है और ये हमारे 1 से 1.5 साल या 2 साल के बच्चे पे भी इजीली आ सकती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।